हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चंस आपके आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। इस तरह के हम लोग 43 टेस्ट अभी तक ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 44वां है। तो 44वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है 44वें क्वेश्चन का पहला टेस्ट, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत शामिल है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से लाभ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत शामिल है? फसलों की जुताई के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकताएं सही है, फसल कटाई के बाद का व्यय ये भी सही है, किसान के घरेलू उपभोग की आवश्यकता है ये भी आपका सही है, विपणन ऋण प्रदान करना ये भी आपका सही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर एक में आपके चारों कथन सही होंगे, क्या होंगे, चारों कथन सही होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी योजना कृषि के विभिन्न चरणों में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें आपकी फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक ऋण भी उपलब्ध कराता है, फसल कटाई के बाद आने वाले खर्च भी उपलब्ध करा सकता है, उत्पाद विपणन ऋण, किसान परिवार की उपभोग संबंधी आवश्यकताओं, कृषि संबद्ध कृषि पर्व संपत्ति और गतिविधियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए आवश्यक निवेश भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक में आपका डी होगा, चारों सही, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF निम्नलिखित में से किसके प्रोत्साहन हेतु कार्य करता है? वैश्विक मौद्रिक सहयोग सही है, सुरक्षित वित्तीय स्थिरता ये भी सही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना ये भी सही है, संपूर्ण विश्व से गरीबी कम करना, आपके चारों कथन सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 189 देशों का संगठन है, मतलब इसमें 189 देश सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। दूसरे में भी आपका डी ही है। बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाएं किसान सुविधा ऐप द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाएं किसान सुविधा ऐप द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं? अलग अलग मंडियों में विभिन्न फसलों की कीमतें, मौसम की जानकारी, फसल के संदर्भ में कीट प्रबंधन से संबंधित विशेष जानकारी, जिले में स्थित भंडारण स्थलों एवं शीत ग्रहों की जानकारी, इसमें चारों सही है। किसान सुविधा एक ऐप एक बहुपयोजित ऐप है जिसे कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त करवाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह ऐप विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये ऐप आपका किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराता है, मौसम के बारे में, डीलर के बारे में, बाजार भाव के बारे में, पादप सुरक्षा के बारे में, कृषि परामर्शी के बारे में, किसान सेवा केंद्र के बारे में, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम के बारे में, ठीक है। तो तीसरे में आपका बी ऑप्शन होगा, चारों सही थे, ठीक है। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसने उरुग्वे दौर की वार्ता के परिणाम स्वरूप निर्मित शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता गेट को पीति स्थापित किया था, सही है। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्र के बीच व्यापार के नियमों का निपटान करता है, ये भी आपका सही है। दोहा विकास एजेंडा का एक मूल उद्देश्य कम से कम विकसित देशों की व्यापारिक संभावनाओं में सुधार करना है, ये आपका गलत है। एक और दो सही है,
तीसरा आपका गलत है। दोहा विकास वार्ता का मूल उद्देश्य आपका अल्प विकसित देशों हेतु व्यापार संभावनाओं में सुधार करना था। क्या था? दोहा विकास वार्ता का मूल उद्देश्य अल्प विकसित देशों हेतु व्यापारिक संभावनाओं में सुधार करना था। जैसा कि पता होगा आपको, विश्व व्यापार संगठन वर्ष 1995 में अस्तित्व में आया। कब आया? 1995 में। तो इसमें आपका एक और दो सही था। अगला क्वेश्चन है हमारा 5। यूरिया के लिए वर्तमान अनुदान सब्सिडी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार अधिकतम खुदरा मूल निर्धारित करती है जिस पर किसानों को यूरिया का विक्रय किया जाना चाहिए। सही है। सरकार लागत एवं नियत लाभ के आधार पर फार्मों को सब्सिडी या अनुदान प्रदान करती है। सही है। यूरिया का आयात एजेंसियों द्वारा नहीं किया जाता है। ये आपका गलत है। क्या है? गलत है। तो पांचवे में आपका एक दो सही है, बाकी तीसरा गलत है। तीसरे में क्या होगा सही? इनका आयात केवल एजेंसियों के माध्यम से ही किया जाता है। इनका आयात केवल एजेंसियों के माध्यम से ही किया जाता है और भारत में केवल 3 एजेंसियों को इसका आयात करने की अनुमति है। ठीक है। तो इसमें आपका पांचवे में 1 और 2 सही था। क्या था? ए ऑप्शन सही था। बात करते हैं हम लोग छठवें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक समूह का सदस्य है। सही है। यह मध्यम आय और विश्वसनीय साख वाले निर्धन देशों की सहायता करता है। यह आपका गलत है। इसमें केवल एक कथन सही है छठवें में। क्या है? एक कथन सही है। दूसरा आपका गलत है। यह विकासशील देशों में निजी क्षेत्रों पर विशेष रूप से केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संगठन है। क्या है? यह है आपका विकासशील देशों में निजी क्षेत्र पर विशेष रूप से केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक मंच है। विश्व बैंक के तहत निम्नलिखित 5 संगठन आते हैं। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, चौथा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, पांचवा है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 7वां। क्या है 7वां? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। व्यापक लागत पर कृषि सर्वेक्षण फसलों की लागत संरचना और विभिन्न इनपुट पर डेटा प्राप्त करने का एक तंत्र है जिसका उपयोग भारत में विभिन्न फसलों की खेती के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। व्यापक लागत पर कृषि को सर्वेक्षण कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा डिजाइन किया गया है और डेटा संग्रह प्रति वर्ष केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। यह आपका गलत। साथ में आपका केवल एक कथन सही है। क्या है? केवल एक कथन सही है। दूसरे में सही क्या होगा? यह सर्वेक्षण केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा डिजाइन किया जाता है और डेटा संग्रह कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ए ऑप्शन सही था। ए ऑप्शन एक केवल सही था। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक कोटा आधारित संस्था है। बिल्कुल सही है। एक सदस्य देश का कोटा मोटे तौर पर विश्व अर्थव्यवस्था में इसकी सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। यह भी आपका सही है। कोटा दुर्बल मुद्रा में निर्धारित होता है। ये आपका गलत है। तो इसमें आपका 1 और 2 कथन सही है। तीसरा गलत है। तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि कोटा के आधार पर ही IMF किसी इकाई विशेष को विशेष आहरण अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है। बात करते हैं हम लोग 9वां क्वेश्चन। क्या है 9वां क्वेश्चन? भारत में कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के तत्वाधान में संचालित होता है। बिल्कुल गलत है। यह एक प्रमुख शोध संस्थान है जो आधुनिक जीव विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता युक्त बुनियादी अनुसंधान और प्रशिक्षण का संचालन करता है। बिल्कुल सही है। ग्लोबल मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी नेटवर्क यूनेस्को द्वारा इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में नामित किया गया। ये भी आपका सही है। तो इसमें आपके 2 और 3 कथन सही होंगे, 1 आपका गलत होगा। यह केंद्र जो आपका है हैदराबाद में स्थित है, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र आपका कहाँ है? हैदराबाद में। इसका संचालन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके 2 और 3 कथन सही थे, यानी कि बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 10। रामप्पा मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भगवान राम को समर्पित मंदिर है। गलत है। काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान निर्मित यह विश्व की विरासत स्थल चयन प्रक्रिया 2019 में भारत की ओर से एकमात्र नामांकन है। ये आपका सही है। यह मंदिर आपका भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को, ना कि राम को समर्पित है। ये आपका तेलंगाना में स्थित है। कहाँ है? तेलंगाना में। इस मंदिर का निर्माण 1213 में शताब्दी में काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो 10 में आपका बी है केवल। क्वेश्चन है 11। प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रत्यक्ष कर का भुगतान किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सीधे निकाय को किया जाता है। सही है। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है। ये भी आपका सही है। क्या है? ये भी सही है। तो 11 में आपके दोनों कथन सही है। तो आपका सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, उपहार कर, ये आपके प्रत्यक्ष कर है। ठीक है। बात करते हैं 12 क्वेश्चन। अग्रिम मूल समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्रिम मूल समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे वर्ष 2018 में भारत में लॉन्च किया गया था। गलत है। यह एक करदाता और कम से कम एक टैक्स प्राधिकरण के बीच ऐसा अनुबंध है जो परस्पर संबंधित कंपनियों के बीच लेनदेन के लिए मूल निर्धारण विधि को पहले से ही तय कर देता है। ये आपका सही है। दूसरा कथन आपका सही है और 1 गलत है। क्योंकि भारत में अग्रिम मूल समझौता कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2012 में वित्त अधिनियम 2012 और आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत की गई थी। कब? 2012 में। ठीक है। तो इसमें आपका दूसरा केवल सही था। क्वेश्चन है 13। निम्नलिखित में से कौन से देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसमें मोरक्को भी है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है। क्या है? तीनों देश साझा करते हैं। 13 में आपका डी होगा। बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। ऑर्डर ऑफ जायद समाचारों में रहा था, किससे संबंधित है? UAE के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से। ऑर्डर ऑफ जायद UAE के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से संबंधित है। आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी को दिया गया था संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। बात करते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन की। क्या है 15वां क्वेश्चन? चल निधि तरलता समायोजन सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आप लोग। यह एक राजकोषीय नीति साधन है या उपकरण है
जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों के माध्यम से धन उधार लेने की अनुमति देता है। गलत है, यह आर्थिक अस्थिरता के दौरान किसी भी अल्पकालिक नकदी के बहाव को नियंत्रित एवं नियमित करने में बैंकों की सहायता करता है। दूसरा कथन आपका सही है, पहला कथन आपका गलत है, दूसरा सही है। इसके अंतर्गत रिपो और रिवर्स रिपो दरें आती हैं आपकी, रिपो और रिवर्स रिपो दरें आपकी आती हैं, जिनकी दरों पर नियंत्रण करके भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में उपलब्ध मुद्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन है हमारा 16, क्या है? मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत एक वैधानिक और संस्थागत फ्रेमवर्क है, सही है। इसे उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था, सही है। वित्त मंत्री समिति के का पलायन अध्यक्ष होता है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका एक और दो कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि रिजर्व बैंक के गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के प्रभारी के तौर पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका एक और दो यानी कि बी ऑप्शन सही था। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक सामाजिक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्यालय थाईलैंड के बैंकॉक शहर में है, सही है। भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई राष्ट्र है जो यूनिस्कैप का सदस्य है, यह आपका गलत है। इसमें केवल आपका एक कथन सही है। एशिया और प्रशांत महासागर के लिए संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र का की एक क्षेत्रीय विकास शाखा है। यही कारण है कि इस कैप संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय कमीशनों से में सबसे व्यापक होने के साथ साथ 600 से अधिक कर्मचारियों के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र की संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका थाईलैंड के बैंकॉक शहर में है। सभी दक्षिण एशियाई राष्ट्र यूनेस्कैप के सदस्य हैं, जिनमें आपके भारत, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान शामिल है। बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन से उत्सव जो भारत में पारंपरिक नए साल का जश्न मनाते हैं? गुड़ी पड़वा, सजिबू चिरोवा, पुलिंग, तीनों आपके हैं, क्या है? तीनों हैं। गुड़ी पड़वा को हिंदू चंद कैलेंडर के अनुसार चैत शुक्ल प्रतिपदा के महीने में नए साल के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव आपका कर्नाटक हो फिर चाहे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सहित दक्कन क्षेत्र के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह मीति मणिपुर का एक जातीय समूह का महान अनुष्ठानिक उत्सव है जो मणिपुर के चंद माह सजीबू के पहले दिन मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में इसका उत्सव का आयोजन होता है। पर आपका पुलिंग उत्सव बसंत के आगमन तथा आगामी अच्छी फसल हेतु प्रार्थना के संदर्भ में मनाया जाता है। ये आपका समारोह अप्रैल माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो 18 में आपका डी था, क्या था? डी। बात करते हैं 19वां क्वेश्चन, समाचारों में रहा कौन याक नित निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका नागालैंड, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 20, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह लैपलस
और मॉल्टन द्वारा प्रस्तावित किया गया था? गलत है बिल्कुल। इस सिद्धांत के अनुसार संयुक्त महाद्वीप का भूभाग पैंथालासा कहलाता है। ये भी आपका गलत है, यानी कि बी ऑप्शन 20 में आपके दोनों कथन गलत हैं। सही क्या होंगे आखिर? जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर, कौन? अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया था। आपको याद रखना है, जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया था। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित है। पेंजिया का अर्थ होता है, पेंजिया का अर्थ संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पैंथालासा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जल ही जल। तो पेंजिया आपका संपूर्ण पृथ्वी यानी कि महाद्वीप था, और पैंथालासा महासागर कह ले, ये जल का भाग था। ठीक, तो 20 में आपके डी थे, ना तो एक सही था ना ही दो। बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है आपको। गोल्डन हैंडशेक, ये आपका है कर्मियों को कार्य छोड़ने के लिए किया जाने वाला भुगतान। गोल्डन हैंड कप, ये आपका है पित्ती द्वंद्वियों से कर्मियों को बचने के लिए दिया जाने वाला बोनस। गोल्डन हेलो, ये आपका नए कर्मियों को आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला भुगतान है। गोल्डन स्किल रूल, ये आपका सरकार द्वारा निवेश के लिए लिया गया उधार ना किए गए खर्च के लिए। तो पहले में आपका, तीसरा, दूसरे में, चौथा, तीसरे में आपका दूसरा होगा सही, और चौथे का सही मिलान होगा पहला। इस प्रकार 21 में आपका सी होगा। बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। क्या है 22वां क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंतर्गत शामिल किए गए शामिल हैं? कृषि उपयोग के लिए सौर अनुपयोग प्रबंधन, सही है। सौर मिनी ग्रिड प्रबंधन, ये भी सही है। व्यापक पैमाने पर किफायती वित्त, सही है। डिजिटल इन्फोपीडिया, ये भी सही है। सामान्य जोखिम न्यूनतम व्यवस्था, ये भी आपका सही है, यानी कि पांचों सही हैं आपके। भारत और फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 6 दिसंबर 2017 को लागू हुआ था। IEC का पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि आधारित संगठन है, जिसका मुख्यालय आपका भारत के गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो 22 में आपका डी था पांचों। बात करते हैं 23वां। वस्त्र और परिधान क्षेत्र में निर्यात और रोजगार, विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार वृद्धि की अभूतपूर्व क्षमता है। साथ ही इस क्षेत्र में श्रम लागत के बढ़ने से वस्त्र निर्यात में बाजार में चीन की हिस्सेदारी के खोने का ऐतिहासिक अवसर है। निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जिनकी वजह से भारत इस अवसर का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है? अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से प्रतिस्पर्धा, सही है। उच्च घरेलू कर, ये भी सही है। कठोर श्रम कानून, ये भी है सही है। उच्च लॉजिस्टिक लागत, आपके चारों सही है। क्या होगा 23 में आपका? ए होगा, चारों कारण है। क्वेश्चन है हमारा 24। निम्नलिखित में से कौन कभी कभी समाचारों में दिखने वाले पद दोहरे तुलन पद की समस्या का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? जब बैंकिंग तथा कॉरपोरेट क्षेत्र दोनों दबाव में हो, 24 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है 25।
निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या जारी करता है? तो ये आपका करता है श्रम ब्यूरो, श्रम ब्यूरो। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक सीपीआई सूचकांक में सबसे पुराना है, क्योंकि इसका प्रसार 1946 में शुरू हुआ था। तो ये थे आपके प्रमुख 25 क्वेश्चंस। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग आगे भी लगाएंगे।